देश में आत्महत्या के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई अवसाद के कारण आत्महत्या कर रहा है तो कोई पारिवारिक कलह के चलते, कोई नशे की आपूर्ति नहीं होने पर तो किसी को लंबी बीमारी के चलते आत्महत्या का विचार आ रहा है। खुदकुशी के विचार मन में आने से किस प्रकार रोके जाएं, इस विषय को लेकर आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर हिसार के नागरिक अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर की संचालिका मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पूनम दहिया ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक तनाव को गंभीर बीमारी माना है, जिसकी वजह से विश्व में एक दिन में करीब 3000 लोग आत्महत्या करते हैं। आज 10 सितंबर 2020 को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सिविल अस्पताल हिसार में आज मनाया गया, जिसके तहत हमने हेल्प डेस्क लगाया गया मनोरोग विभाग द्वारा, जिसमें कि हमने मरीजों को इनकी सहायता प्रदान की, इनके बारे में परामर्श दिया, संबोधित किया आत्महत्या के कारण और निवारण क्या है। इसमें मरीजों को और आम जनता को दोनों को ही ये बताया गया कि आपका एक मिनट बहुत कीमती है, एक मिनट आसपास जानने के लिए। अब कई बार लोगों को ये लगता है कि हम आत्महत्या किसी के विचार आ रहे हो तो उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें मनोरोग विशेषज्ञ ही पहल करें, एक आम नागरिक आम जनता भी इसमें पहल कर सकती है। चाहिए सिर्फ आपका एक मिनट, आसपास नजर डालिए, इस तरह का आपका कोई सगा संबंधी, कोई दोस्त परिवार का सदस्य, कोई अलग थलग रह रहा हो, जिसके व्यवहार में कोई बदलाव आया हो, कोई नशे की उसकी प्रवृत्ति बदल गई है, इस तरह का कोई लक्षण हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। या कोई व्यक्ति गुमसुम बैठा है या आपसे आत्महत्या के बारे में कोई विचार रख रहा है तो उसको हल्के में न लेके एक मिनट उससे बात कीजिए, उसका ध्यान बट जाएगा और उसको बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर शालू मनोविज्ञानी ने बताया कि आत्महत्या के विचारों को मन में पनपने से रोका जा सकता है और इसके लिए आपके अंदर जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सुसाइड है, आत्महत्या है, वो देखा जा रहा है कि ज्यादातर मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों को होती है और इसके पीछे एक कलंक भी है कि हम अपनी समस्याएं बताते नहीं हैं। तो लोगों को ये कहा है कि भी वो है अपना समय निकालकर अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, लक्षण आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो वो जरा भी कोताही ना बरतें अपने इन विचारों को रखने के लिए। हो सके तो अपने नियर एंड डियर को बताएं, और किसी को ज़्यादा ही समस्या आ रही है तो वो साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद ले, मदद लेने में पीछे ना हटें। और जो है इसमें सबसे बड़ा ये है कि भी हम सभी की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम एक मिनट निकाल करके लोगों की जो समस्या से ग्रस्त हैं उनकी समस्याएं सुने और उनकी जो है